ओके सो इस शॉर्ट के थ्रू आपके सामने एक पॉइंट रखना है, दैट इज कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काफी सारे स्टूडेंट हैं जो कि अपना पूरे दिन का एक प्लान बनाते हैं, सुबह उठते हैं, जो भी अपनी पढ़ाई करते हैं, बट क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा कई बार बहुत रैंडम हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ऐसा मुझे लगता है कि उन्हें ये फील आता है कि यार पूरा दिन हमने उस बेहतर लेवल पे यूटिलाइज नहीं किया जितना कि शायद हम कर सकते थे। सो द मुद्दा इज कि कहीं ना कहीं आपका जो डे है वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव निकले, उसके लिए मुझे लगता है कि एक काम जो आपको अपने शेड्यूल में रखना चाहिए, जो कि अपनी क्लासेस में कई बार बोलता रहता हूँ, दैट इज कि आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। यू नो कि जैसे आज अगर आप सो रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि यार कल का मेरा एक पर्टिकुलर प्लान क्या है। अगर आप दिन के 12 घंटे पढ़ने वाले हैं तो फर्स्ट 4 आवर क्वांट्स में आप क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद एलआरडीआई, उसके बाद वर्बल। तो अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लान होगा और फिर आप उसी के ऊपर स्टिक हो, ये नहीं कि इधर उधर से डाउट देख के आप भटक रहे हो, तो अगर आप अपने प्लान को लेकर के स्टिक हो तो कहीं ना कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव आप अपने डे को बना सकते हो, जिसके बाद आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो, बजाय कि दिन खत्म होने पर रिग्रेट फील करना कि यार आज का दिन मैं और बेहतर कर सकता था, एक और दिन वेस्ट हो गया। ये सोचने की बजाय एक प्रॉपर प्लान बनाए और दिन को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाए। Unacademy, let's crack it.